डियर व्यूअर, स्वागत है आपका हमारे नए सेशन में। आज के सेशन में हम सीखेंगे ऑन टाइम सॉफ्टवेयर में शिफ्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखते हैं ऑन टाइम सॉफ्टवेयर में शिफ्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। शिफ्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको शिफ्ट सेटिंग में जाना पड़ेगा। शिफ्ट सेटिंग पे क्लिक करोगे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा शिफ्ट मास्टर। शिफ्ट मास्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक शिफ्ट बनाया है बॉन्डिंग शिफ्ट। अगर आपको नया बनाना है तो न्यू पे क्लिक करोगे, और सेम शिफ्ट को अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बाकी डिटेल मॉडिफाई करके सेव कर लोगे। अभी हम एग्जिट करते हैं और देखते हैं नया शिफ्ट कैसे क्रिएट करते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी मॉर्निंग शिफ्ट बनाया है तो हम एक शिफ्ट बनाते हैं आफ्टरनून का, ठीक है। शॉर्ट नेम में हमने सेम नेम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल वर्किंग आवर देना पड़ेगा, कितने घंटे की शिफ्ट होती है, आपके एम्प्लॉय कितने घंटे काम करते हैं। सपोज डेट हमारा जो शिफ्ट होता है 8 आवर का होता है, तो हमने 8 आवर्स टाइप किया और यहाँ पे हमने दे दिया 2 o'clock। तो ये जो एंड टाइम होगा ऑटोमेटिकली लेगा वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको अगर कोई ब्रेक ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज सेव कर सकते हो। अब क्या होता है, जो हमारे कस्टमर होते हैं वो यहाँ पे शिफ्ट क्रिएट कर देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं एम्प्लॉय मास्टर में, और जो एम्प्लॉय को मॉडिफाई करके वो शिफ्ट असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट शो नहीं होता। क्यों नहीं होता, आइए हम देखते हैं। क्लोज एग्जिट, यहाँ पे आपने अगर एक शिफ्ट क्रिएट किया तो इसे आपको ग्रुप में भी असाइन करना होता है। तो इसके लिए आप शिफ्ट सेटिंग में जाओगे और शिफ्ट ग्रुप को मॉडिफाई करोगे आप। यहाँ पे देखिए, ये जो आफ्टरनून का शिफ्ट है ये अब तक अनचेक है, इसलिए ये एम्प्लॉय मास्टर में नहीं दिखा रहा था, ठीक है। इसे आप सेलेक्ट करोगे, सेव करोगे, यस ओके, फिर आप जाओगे एम्प्लॉय मास्टर, आप किसी एक एम्प्लॉय को मॉडिफाई करोगे। यहाँ पे अब आप डाउन एरो बटन पे क्लिक करोगे, ये आफ्टरनून का शिफ्ट आ गया, इसे सेलेक्ट करके आप सेव कर सकते हो। हमने सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अब चलिए हम देखते हैं कि इस शिफ्ट को डिलीट कैसे करते हैं। अगेन आप शिफ्ट सेटिंग में जाओगे, शिफ्ट मास्टर, इसे शिफ्ट को सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने इस शिफ्ट को एक एम्प्लॉय को असाइन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको अगेन एम्प्लॉय मास्टर में जाना पड़ेगा, एम्प्लॉय को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये आफ्टरनून का शिफ्ट हटा के मॉर्निंग शिफ्ट सेलेक्ट करके सेव करना होगा। अभी हम ये नहीं करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि अभी आपने हमने एक एम्प्लॉय को ये शिफ्ट दिया है, तो इसलिए हम बड़े आसानी से फाइंड कर लिए कि इस एम्प्लॉय को हमने शिफ्ट दिया है एम्प्लॉय मास्टर से मॉडिफाई करके हटा लेंगे। और यदि आपके यहाँ 1000 1000 एम्प्लॉय हैं, आपने 500 एम्प्लॉय को ये शिफ्ट असाइन कर दिया, उसे हटाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमने एक बल्क अपडेट का ऑप्शन दिया है, आप यूटिलिटी में जाओगे, बल्क अपडेट, शिफ्ट में जाओगे, यहाँ पे आप मॉर्निंग शिफ्ट अनचेक कर दोगे और सिर्फ आफ्टरनून का शिफ्ट सेलेक्ट करके एम्प्लॉय इन्फो पे जाओगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि कितने एम्प्लॉय आपके आफ्टरनून के शिफ्ट में हैं, ठीक है। ये एम्प्लॉय आ गए, फिर यहाँ से आप क्या करोगे, अपडेट एम्प्लॉय ग्रुप इन्फो में जाओगे, शिफ्ट ग्रुप में जाओगे, शिफ्ट ग्रुप सेलेक्ट करोगे और सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट सेलेक्ट करके सारे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करोगे और अप्लाई ऑल कर दोगे। तो जो आपके आफ्टरनून के जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन सबको मॉर्निंग शिफ्ट असाइन हो जाएगा। अब बड़े आसानी से आप पाओगे शिफ्ट ग्रुप में, शिफ्ट ग्रुप को मॉडिफाई करोगे, आफ्टरनून अनचेक करोगे, सेव, यस ओके, एग्जिट, शिफ्ट सेटिंग, शिफ्ट मास्टर, और आप बड़े आसानी से यहाँ से डिलीट कर सकते हो।
आज तक के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले।